एनिमेशन एंड VFX रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए VFX YouTube चैनल को विजिट कीजिए। यहाँ पे करियर एडवाइस, टिप्स एंड ट्रिक्स, वीडियो ट्यूटोरियल्स, क्रिएटिव वर्क, न्यूज एंड अपडेट्स और आर्टिस्ट के इंटरव्यूज देखने को मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। VFX कम्युनिटी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव और आप सभी का स्वागत है एनिमेफेक्स यूट्यूब चैनल पे। इन्फिनिटी वॉर मूवी के जो है विजुअल इफेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और जयदीप जी हमें बताएंगे जो स्टूडियोज में काम हुआ है विजुअल इफेक्ट की उसके बारे में। हेलो फ्रेंड्स, एनिमेफेक्स न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर आप सभी ने देखी होगी, ये 27 अप्रैल को पूरे वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी। इस फिल्म मार्वल स्टूडियोज ने बनाई है। तो दोस्तों, मार्वल स्टूडियोज पहले कॉमिक्स बनाता था, आपके जो सुपर हीरोज है स्पाइडरमैन, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, वो सभी कॉमिक्स के ही किरदार है। और ये जो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर मूवी आई है वो इन्फिनिटी वॉर कॉमिक्स में से ही ली गई है। इस मूवी का VFX का काम पूरी वर्ल्ड वाइड 11 स्टूडियोज में हुआ है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि इस 11 स्टूडियोज में से जो 4 स्टूडियो है वो इंडिया के ही है, जिसमें डिजिटल डोमेन है वो हैदराबाद में आया है, डबल नेगेटिव है वो मुंबई में आया हुआ है, जिसमें से जो फ्रेमस्टोर और मेथड स्टूडियो है वो पुणे में आया हुआ है। इसके अलावा बाकी जो 7 स्टूडियोज है वो है इंडस्ट्रियल लाइट एंड म्यूजिक, वेटा डिजिटल, सिनेसाइट, राय स्टूडियो, लोला स्टूडियो, परसेप्शन स्टूडियो एंड टेरोरिटी स्टूडियोज में हुआ है। इन सभी स्टूडियोज में अलग अलग तरह के VFX का काम हुआ है इस मूवी का। दोस्तों, इस मूवी में है जो CGI टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो दोस्तों, CGI का मतलब है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिनरी, जो शॉट है वो रियल में पॉसिबल नहीं है, उन शॉट को जो है कंप्यूटर की मदद से बनाया जाता है। तो इस तरह के जो है वो 2680 शॉट है जो विजुअल इफेक्ट के बनाए गए है इस मूवी में। दोस्तों, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही कैरेक्टर का ख्याल आता है, वो है थेनोस। दोस्तों, ये जो थेनोस का कैरेक्टर है वो डिजिटल डोमेन और वेटा डिजिटल स्टूडियो ने बनाया है। आपने दोस्तों इस मूवी में टाइटन पर डॉक्टर स्ट्रेंज, आयरन मैन, स्पाइडर मैन, स्टार लॉर्ड, मंट्रस की थेनोस के साथ लड़ाई देखी होगी। लड़ाई है उसका VFX का काम वेटा डिजिटल स्टूडियो ने बनाया है। इसके लिए उन्होंने 12 फुट लंबे थेनोस के 3D कैरेक्टर का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इस कैरेक्टर को जो है ऑटोडेस्क माया सॉफ्टवेयर में बनाया गया है, जिसका मॉडलिंग, रिगिंग और एनिमेशन माया में ही किया गया है। उसके अलावा जो है दोस्तों, उसकी जो लाइटिंग है वो चूज ग्रुप के जो प्लगइन है वीर है उसकी मदद से किया गया है, और बाकी के जो विजुअल इफेक्ट है वो हुडिनी सॉफ्टवेयर से बनाए गए हैं। हुडिनी सॉफ्टवेयर है वो एक माया जैसा ही सॉफ्टवेयर है, 3D सॉफ्टवेयर है, जिसमें इस तरह के कुछ विजुअल इफेक्ट बनाए जा सकते हैं। और दोस्तों, इस मूवी में जो है वो काफी मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जो थेनोस का पूरा CGI कैरेक्टर है उसको मोशन कैप्चर की मदद से एनिमेशन किया हुआ है। खास करके दोस्तों, मोशन कैप्चर के लिए उन लोगों ने कस्टम एक अपना सॉफ्टवेयर डेवलप किया है और उसकी मदद से पूरा मोशन कैप्चर किया गया है। दोस्तों, एवेंजर मूवी की सारी सीरीज में CGI कैरेक्टर का काफी जगह इस्तेमाल किया हुआ है, जैसे कि हल्क है, थेनोस है, ग्रूट है। CGI कैरेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले कंसेप्ट आर्ट की मदद से ड्राइंग तैयार किए जाते हैं और इस ड्राइंग के मुताबिक 3D कैरेक्टर बनाए जाते हैं और इस 3D कैरेक्टर को स्टोरी के हिसाब से एनिमेशन दिया जाता है। और दोस्तों, रियलिस्टिक एनिमेशन दिखाने के लिए एडवांस मसल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखा कि वेटा डिजिटल स्टूडियो और डिजिटल डोमेन स्टूडियो ने कैसे एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के सबसे महाकाय विलन थेनोस को कैसे बनाया है और उसे कैसे डेवलप किया है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम मेथड स्टूडियो ने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर पे क्या काम किया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और आप कुछ भी पूछना चाहते हो और आपकी कुछ सजेशन है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय बाय बाय।